हिमाचल के सियासी संग्राम में लिए चलते हैं, जहां पर सरकार की बेरुखी से सेब की लाली फीकी पड़ती जा रही है। सेब की खेती हिमाचल प्रदेश में बागवानों की जिंदगी का आधार है, लेकिन सरकार की बेरुखी से सेब की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। किसानों का आरोप यह है कि उनके लिए घोषणा पत्रों में वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। पेड़ों पर लटकते सेब, मंडी में बिकते सेब, सेब हिमाचल प्रदेश में बागवानों की जीवन रेखा का अहम आधार है। लेकिन हिमाचल में सेब की खेती करने वाले बागवानों की बदकिस्मती देखिए कि सेब भी कई सालों से सियासत का शिकार हो रहे हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं और चुनावों के दौरान घोषणा पत्र भी बना दिए जाते हैं, लेकिन सेब की खेती करने वालों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी की संबंध में कई प्रकार की नीतियां बनी है, लेकिन उस पर किसी भी सरकार ने अमल नहीं किया है। हिमाचल में सेब की खेती करने वाले किसानों की मांग है कि सेब की खेती करने वाले जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए, सेब की ट्रांसपोर्ट के लिए हर गांव सड़क सुविधा से जुड़े, सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, बागवानी विभाग उन्नत दवाइयां उपलब्ध कराए। किसानों की मांग है कि सूबे में उन्नत वेयरहाउस और पैकेजिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें अपनी मेहनत का उचित दाम मिल सके। देश में जो नई सरकार बैठेगी, अब बागवानी की अपेक्षा ये है कि हमारे छोटे छोटे गांव जो दूर दराज पहाड़ों में हैं, सब जो है रोड से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि वो सेब हमारे जो है दुल्हान वगैरह जो सस्ता पड़ जाए और लोगों को सुविधा हो, नहीं तो लेबर की बड़ी कमी होगी आने वाले समय में। पिछले कई वर्षों से समर्थन मूल्य नामात्र का ही बढ़ा है। पैदावार बार में दवाइयां हो या खाद आदि की कीमतें हो, इसमें बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद समर्थन मूल्य सिर्फ कुछ ही पैसे बढ़ा है। हिमाचल में करीब 1.5 लाख परिवारों की रोजी रोटी सेब की खेती से जुड़ी है। हर साल हिमाचल का सेब देश के कोने कोने तक पहुंचकर लोगों को तो सेहतमंद बना ही रहा है, लेकिन खुद हिमाचल में सेब की खेती करने वाले किसानों की हालत सरकार की बेरुखी से पतली होती जा रही है। मनाली से नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़।